जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉलम की ट्रबल शूटिंग कहीं भी चले जाएं एचपीएलसी का, जब आप अपनी सीवी में नोट डाउन करते हैं तो इसका क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछा जाएगा कॉलम के हवाले से। तो इसमें एक कॉलम से रिलेटेड आप यूज़ करते हैं गार्ड कॉलम, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या फीचर्स हैं और उसका क्या स्पेशल फीचर जो अक्सर आपसे लोग इंटरव्यू में पूछते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ गार्ड कॉलम के साथ एक और चीज़ होती है कार्ट्रिज स्टाइल कॉलम, वो क्या है जिसको हम कार्ट्रिज कॉलम भी कहते हैं, तो वो किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं। आज की मेरी वीडियो का फोकस ये, वीडियो को एंड तक देखें आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। जो एचपीएलसी यूज़र अपने सीवी के अंदर लिखते हैं कि हम एचपीएलसी का इतना एक्सपीरियंस है, उन्हें ये सवाल लाजमी आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेडली भी और प्लान तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं गार्ड कॉलम की। तो वैसे कि मेन जो गार्ड कॉलम है आपका, इसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस वो आपके जो पर्टिकुलेट्स होते हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर, आपके मीडियम के अंदर, आपके सैंपल के अंदर, मोबाइल फेंस के अंदर, उनको रोकना होता है ताकि वो पर्टिकुलेट्स जो हैं वो आगे न जाए, सिस्टम में न जाए, कॉलम में नहीं जाए। इससे क्या होता है आपकी कॉलम की लाइफ बढ़ती है, आपके एचपीएलसी की लाइफ बढ़ती है क्योंकि इम्प्योरिटीज़ वहाँ नहीं जाती। मेन पर्पस गार्ड कॉलम को होता है इम्प्योरिटीज़ को रोकना। लेकिन जो गार्ड कॉलम के अंदर जो पैकिंग मटेरियल होता है ये साइज वाइज शॉर्टर होता है, बहुत ज़्यादा बहुत शॉर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो एनालिटिकल कॉलम होते हैं उससे बहुत छोटे होते हैं, ये तकरीबन इतने से भी होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो पैकिंग मटेरियल होता है स्ट्रक्चरी फेस वो नॉर्मली सिमिलर होता है आपके जो गार्ड आपके जो मेन कॉलम एनालिटिकल उससे मैच कर होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये जो इसके अंदर रेजिन होता है जो इसका स्ट्रक्चरी फेस है उसका जो पार्टिकल साइज है वो बहुत बड़ा होता है, लार्जर पार्टिकल साइज यूज होता है गार्ड कॉलम के अंदर एज कम्पेयर टू एनालिटिकल कॉलम के। ठीक है, ये सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब गार्ड कॉलम इम्प्योरिटीज को, जो आपसे अक्सर लोग इंटरव्यू पूछते हैं, जब गार्ड कॉलम इम्प्योरिटीज को स्टक कर लेता है अपने अंदर बड़े लार्जर पार्टिकल साइज की वजह से, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज लार्जर होता है रेजेंस का, तो पर्टिकुलेट्स जो होते हैं आपके मीडियम के अंदर, सैंपल के अंदर, मोबाइल फेस के अंदर, उनको रोक लेता, आगे नहीं जाने देता। तो इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि गार्ड कॉलम जब इम्प्योरिटीज को रोकता है तो सिस्टम का बैक प्रेशर पे क्यों नहीं इफेक्ट करता, सिस्टम के साथ ट्यूबिंग में कनेक्टेड होता है गार्ड कॉलम। तो देखिए, इसकी सबसे स्पेशल फीचर यही है कि गार्ड कॉलम इम्प्योरिटीज को रोकता है लार्जर साइज की होने की वजह से, लेकिन इसका यही खास बात है कि सिस्टम के बैक प्रेशर पे इफेक्ट नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो ये इम्प्योरिटीज को रोकने के साथ साथ कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता आपकी एनालिसिस पे, ये भी हो सकता है कि अपने एनालिसिस में इफेक्ट कर सकता है कि नहीं, तो कोई इफेक्ट नहीं करता गार्ड कॉलम आपके एनालिसिस पे, ठीक है, और ना ही आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई करता है अल्दो की इम्प्योरिटीज को स्टक कर लेता है। यही वजह होती है गार्ड कॉलम को यूज करने की और यही स्पेशल फीचर होता है गार्ड कॉलम का जो आप नॉर्मल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज यूज करती है, बहुत सी इंडस्ट्रीज यूज नहीं करती, कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप गार्ड कॉलम यूज करें, इससे आपकी कॉलम की लाइफ बढ़ती है जो आपका मेन एनालिटिक कॉलम है और दूसरा आपके सिस्टम की लाइफ बढ़ती है। ठीक है, ये है बेसिकली गार्ड कॉलम। अच्छा, दूसरी चीज है कॉटेज स्टाइल जो है आपके पास, कॉटेज फिलिंग कॉलम जो होता है ये क्या होता है, ये भी एज अ गार्ड कॉलम की तरह एक ट्यूबिंग होती है जो हम यूज करते हैं, ये भी शॉर्टर साइज का होता है, लेकिन इसके अंदर जो मेन फंक्शन है इसका जो कॉटेज है वो रिप्लेसेबल होती है, वो रिफिल हो जाती है। जैसे कि आप प्रिंटर का कोई कॉटरेज लेते हैं उसके अंदर इंक का जो कॉटरेज है वो फिल हो जाता है, दोबारा आप लगा लेते हैं, इसके अंदर भी एक ट्यूब है, स्टेनलेस स्टील की एक ट्यूब होती है और इसके अंदर जो कॉटरेज यूज होता है वो रिप्लेस कर सकते हैं आप, बाद बाद उसको रिफिल कर सकते हैं। तो मेन पर्पज जो है बेसिकली कॉटरेज कॉलम को यूज करने का है, ये आपके जो डेड वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करता है। डेड वॉल्यूम क्या होता है, आपका जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जिसको भी हम कहते हैं, जो आपके कॉलम से ट्यूबिंग की पहले वाला और ट्यूबिंग के बाद वाला जो ट्यूबिंग में जो वॉल्यूम होता है जिसको हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है कॉटरेज फिलिंग कॉलम। ये बहुत बड़ा रोल है। इससे कंट्रोल करने से फायदा क्या होता है, जो आपकी बॉन्ड जो ब्रॉडनिंग होती है उसको कम करता है और डेफिनेटली इसलिए आपके पीक पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, पीक भी शार्प होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये मेन चीज है कॉटरेज कॉलम जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी जगह पे है, बहुत सी जगह पे नहीं यूज होता। तो मेन पर्पस जो आज तक दो वीडियो का मेरा फोकस था कि बेसिकली गार्ड कॉलम क्या है, क्यों यूज करते हैं, स्पेशल फीचर्स क्या है, क्या इफेक्ट है सिस्टम पे, क्या नेगेटिवली इफेक्ट डालता है, नहीं कोई इफेक्ट नहीं होता गार्ड कॉलम, बहुत अच्छी चीज है गार्ड कॉलम को यूज आपको करना चाहिए। और साथ जो कॉटरेज कॉलम है, कॉटरेज स्टाइल जिसको बहुत सारे नाम इसके लिए आते हैं, तो वो क्या है वो भी मैंने आपको बताया था, उसका मेन फीचर क्या था कि वो
डेड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है और डेड वॉल्यूम से आपकी पीक पे इफेक्ट आता है, बैंड ब्रॉडनिंग को कम करता है। होपफुली आज की वीडियो बड़ी नॉलेजेबल थी उन लोगों के लिए जो एचपीएलसी यूजर है, एचपीएलसी के एनालिस्ट है। तो होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इन दी एंड अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।